हेलो किड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। और बच्चों, मैं हूं आपकी बायोगुरु। आज हम लोग करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी के 100 क्वेश्चंस एक साथ। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। सो बच्चों, टाइम नहीं वेस्ट करना है बिल्कुल भी हमें, और क्योंकि हमारा एग्जाम जो है वो बहुत ही नजदीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आपको डेली क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और मैं आपके बल्क में भी बहुत ऐसे वीडियोस बना रही हूँ जिनमें कई सारे क्वेश्चन यानी कि अराउंड 500 क्वेश्चंस एक साथ होंगे और आप एक साथ उनको सॉल्व करेंगे, यानी कि आप अपनी 5-5 यूनिट्स को एक साथ कवर अप करने वाले हैं। या हो सकता है आप 5 चैप्टर्स या 10 चैप्टर्स इनके एक साथ क्वेश्चंस करें। सो अगर आपको लग रहा है कि ये सब आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज हम लोग कर रहे हैं सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस खत्म करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल? सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? ह्यूमन नर्व सेल, क्लेमाइडोमोनास, वायरस या फिर पीपीएलओ? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, पीपीएलओ। मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, डायरेक्टली आपको आंसर्स कराऊंगी ताकि आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर अप करें। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? एनिमल सेल्स कंटेन अल्ट्रास्कोपिक क्लोरोप्लास्ट वाइल प्लांट सेल्स कंटेन माइक्रोस्कोपिक क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल्स नेवर कंटेन क्लोरोप्लास्ट अनलाइक मैनी प्लांट सेल्स। ये सही है। आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आपसे पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट का ध्यान रखिएगा। प्लांट सेल्स हैव सेंट्रल वैक्यूल्स वाइल एनिमल सेल्स डू नॉट। प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल वाइल एनिमल सेल डू नॉट। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों ये आपका करेक्ट नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ऑल सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इज द फेमस जनरलाइजेशन ऑफ स्कूल्स, स्क्लीडन, लैमार्क या फिर वर्को। तो ये आप सभी को पता होगा कि ये वर्को ने दिया था स्टेटमेंट दैट ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि जो सेल्स होती हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द पॉलीकेटाइनिक चार्ज ऑन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर सरफेस। इट इज 1% ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या इट इज फाउंड प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ फ्री सैकेराइड ग्रुप्स। या इट हैज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका करेक्ट आंसर है जो बच्चों वो है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, इट इज 1% ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 5th, प्लाज्मा लेमा ऑफ एनिमल सेल इज इलास्टिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, माइक्रोफिलामेंट्स। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज द लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉजेज ऑफ कैंसर इज fast and uncontrolled cell division by meiosis, stop the process which controls cell division in mitosis, overgrowth of daughter cells in telophase and due to failure of cleavage furrows and non-separation of cells, unequal amount of DNA in daughter cells formed by mitosis. इसका जो correct answer है बच्चों that is the second option, stop the process which controls cell division. Next question is question number 7. The most abundant substance of middle lamella is lignin, suberin, pectin या फिर क्यूटिन। करेक्ट आंसर है इसका बच्चों थर्ड वन दैट इज द पैक्टिन। सेल वॉल इज द सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोडेस्मेटा या फिर मिडिल लैमेला। करेक्ट आंसर इज हियर सेकंड वन, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉन्टिन्यूअस विद साइटोप्लाज्म थ्रो सेंट्रियोल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस या फिर न्यूक्लियर पोर्स। तो करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दैट इज द न्यूक्लियर पोर। रोल ऑफ न्यूक्लियर इन मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन वॉज डिस्कवर्ड इन न्यूरोस्पोरा बाय बीडल एंड टैटम, गार्डन पी बाय मेंडल, ड्रोसोफिला बाय मॉर्गन एंड एसेटाबुलेरिया बाय हैमरलिंग। जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द फोर्थ वन, एसेटाबुलेरिया बाय हैमरलिंग। मैं थोड़ा स्पीड में करा रही हूँ ताकि कम टाइम में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएं, इसलिए मैं बार बार ऑप्शंस और नंबर ये सब नहीं बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस? क्रोमैटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोजोम या फिर सेंट्रोजोम। जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, सेंट्रोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज, द साइज ऑफ द न्यूक्लियोलस इज लार्ज वेयर? ऑप्शंस यू आर हैविंग Protein synthesis is active. Protein synthesis is less. No protein synthesis occurs and none of the above. तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्टिव हियर. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है एरोबिक रिस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ग्लाइऑक्सिसोम. जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका माइटोकॉन्ड्रिया आर मोस्ट अबंडेंट इन हर्ट मसल्स, मसल्स ऑफ थाई, विंग्स ऑफ बर्ड या फिर नन. तो मैं आपको एक बात बताऊं, जहां पर पे भी बहुत ज्यादा तेजी से एक्टिविटी हो रही होती है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होता है वो बहुत हाई होता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है. और आप सभी को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी फॉर्मेशन यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन में पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पास में देखिए हर्ट मसल्स, हर्ट जो है उसमें कंटिन्यूअसली पंपिंग हो रही होती है यानी कि वो पूरे टाइम वर्क कर रहा होता है. क्या मसल्स ऑफ थाई हमारी पूरे टाइम वर्क कर रही होती है? क्या हम पूरे टाइम चलते हैं? नहीं. क्या विंग्स ऑफ बर्ड्स भी पूरे टाइम काम कर रहे होते हैं? नहीं कर रहे होते हैं. वो कभी ना कभी तो बैठते हैं, रात में बैठते हैं. क्या सारे टाइम वो उड़ते हैं? नहीं. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा आपका हर्ट मसल्स. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस आर फाउंड on outer wall of mitochondria, in the matrix of mitochondria, in the lysosomes या फिर on cristae of mitochondria. तो इसका correct option है बच्चों on cristae of mitochondria. Small particles present on inner mitochondrial membrane are called cristae, eratosomes, elementary particles या फिर quantasomes. तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों थर्ड वन दैट इज द एलिमेंट्री पार्टिकल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज लाइसोसोम्स कंटेनिंग इनएक्टिव एंजाइम्स आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, रेजिडुअल बॉडीज या फिर ऑटोफेगोसोम्स. तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों यहाँ पर दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी लाइसोसोम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइसोसोम? ऑप्शंस यू आर हैविंग दे कंटेन एंजाइम्स दैट लैक मैक्रोमोलिकुलर स्पेसिफिसिटी, they function at alkaline pH and help in dissolving membrane of ovum during fertilization. And fourth option is they function only within the intracellular compartment. So correct answer है बच्चों third option is here, help in dissolving membrane of ovum during fertilization. Next question number 19 है आपका lysosomes are called suicide bags यानी कि suicidal bags because they have catabolic enzymes, food vacuoles, hydrolytic enzymes या फिर parasitic activity. तो करेक्ट आंसर है आपका थर्ड वन बिकॉज उनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, एनीथिंग दे कैन डिसॉल्व. सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट? ऑप्शंस यू आर हैविंग किडनी सेल्स, लिवर सेल्स, मैमेलियन मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स या फिर फोर्थ वन मैमेलियन आई सेल. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द मैमेलियन मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स. So, ये क्वेश्चन 20 था आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज इफ सेल इज ब्रोकन अप एंड सेडिमेंटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन द न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन वन ऑफ द फ्रैक्शन इज सेंट्रोसोम, माइक्रोसोम, पेरोक्सिसोम्स या फिर लाइसोसोम. जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द सेकंड वन दैट इज माइक्रोसोम्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स? फर्स्ट ऑप्शन इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सेकंड वन इज ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, थर्ड वन इज एसिड फॉस्फेटेज एंड फोर्थ वन इज मैलेट सिंथेटेज. तो करेक्ट आंसर है बच्चों सेकंड वन दैट इज ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज द एंडोस्केल्टन ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया. एंडोस्केल्टन आपसे पूछ रहा है तो सेल वॉल जो है वो एंडोस्केल्टन में इन्वॉल्व नहीं होती है. साइटोप्लाज्म इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड विच इज फिल्ड इनसाइड द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द एनर्जी प्रोडक्शन. सो जो आपके पास में ऑप्शन बच रहा है दैट इज द थर्ड ऑप्शन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मैच द फॉलोइंग माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट ऑफ सीलिया. सेंट्रियोल्स स्टोर हाइड्रोलाइसिस एंड पेरोक्सिसोम स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन प्लांट्स. तो जो करेक्ट आंसर होगा आपसे वो पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सा करेक्ट है और कौन से सेंटेंस फॉल्स है. तो आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द फर्स्ट वन that is one is correct, second and third is false. Next question number 25. Genome is diploid set of chromosomes, haploid set of chromosome, a single chromosome, none of the above. जो आंसर आपका करेक्ट होगा बच्चों यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दैट इज द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज द कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोजेक्ट आउट ऑफ द लिपिड bilayer इन एनिमल सेल membrane आर लिंक्ड टू lipids only, proteins only, peptidoglycan, both lipid and protein. Question number 26 है और इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बच्चों ये है बोथ लिपिड एंड प्रोटीन, सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आता है आपका, इन लिविंग सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी स्टेन्ड विद न्यूट्रल रेड, जेनस ग्रीन, क्रिस्टल वॉयलेट या फिर एसिटोऑर्सियन। तो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पे सेकंड वन, दैट इज द जेनस ग्रीन। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज, सो इट इज लेस परमिएबल, लेस प्रोटीनेशियस, हैवियर या फिर लार्जर। जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द सेकंड वन, लेस प्रोटीनेशियस इज करेक्ट हियर। यानी कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो लेस प्रोटीनेशियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज माइटोकॉन्ड्रियल आउटपुट्स आर, क्या आउटपुट होता है माइटोकॉन्ड्रियल? ADP CO2, ATP O2, ATP CO2, H2O या फिर ATP and CO2। तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन, दैट इज ATP CO2 and H2O। क्वेश्चन नंबर 30 इज द ओवरकोट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द हैंडी वर्क ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियोलस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। ऑप्शंस यू आर हैविंग द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पॉसेसेस सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। सेकंड ऑप्शन इज द मेम्ब्रेन बाउंड क्रेब्स साइकिल एंजाइम इज सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड ऑप्शन इज बोथ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर अल्ट्रा स्ट्रक्चरली सिमिलर। And fourth option is mitochondrial cristae are sites of oxidation and reduction reaction. तो correct answer यहाँ पे आपका है बच्चों third option, that is the both mitochondrial membrane are ultra structurally similar. Next question आता है आपका which is an incorrect statement, microtubule take part in cell division. Second one is the detoxification site in liver cells is in SER. Third one is the nucleolus contain DNA homologous to ribosomal RNA. And fourth one is the centrioles are located on the chromosome. Correct answer है बच्चों आपका fourth one, that is the centrioles are located on the chromosomes. Next question number 33 है, which of the following statements regarding cilia is not correct? Number one, cilia contain an outer ring of 9 microtubules surrounding 2 microtubules. They organize beating of cilia is controlled by fluxes of calcium ion across the membrane. Next, third option is the cilia are hair-like cellular appendages and microtubules of cilia are composed of tubulin. तो correct option है बच्चों आपका यहाँ पे that is the second option. The organized beating of cilia is controlled by fluxes of calcium ion across the membrane. Next question number 34 is select the wrong statement from the following. Number 1, both chloroplast and mitochondria have an internal compartment, the thylakoid space bounded by the thylakoid membrane. Second option is both chloroplast and mitochondria contain DNA. Third option is the chloroplast are generally much larger than mitochondria. And fourth option is both chloroplast and mitochondria contain an inner and an outer membrane. तो जो 34th है आपका क्वेश्चन, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, दैट इज बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट, द थाइलेकॉइड स्पेस बाउंडेड बाय द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ध्यान रखिएगा आपसे यहाँ पे वो पूछ रहा था कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है इनमें से, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स क्या है आपके ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट पेरोक्सिसोम्स आर क्वाइट कॉमन इन द फोटोसिंथेटिक सेल्स, देयर नंबर कैन बी 70 to 100 पर मेसोफिल सेल, वेयर इन दे इंटरैक्ट विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट टू टेक पार्ट इन फोटो रेस्पिरेशन. Second option is glyoxysomes are numerous in the endosperm of wheat. Third option is the E are bound ribosomes synthesize secretory membrane and lysosomal protein. And fourth option is the ribosomes when associated with ER are attached with their 60S subunits. तो correct answer है बच्चों यहाँ पर second option, that is the glyoxysomes are numerous in the endosperm of wheat. Next question is the question number 36, that is how many divisions will occur in an isolated tip cell to form 128 cells. तो आपके पास में जो ऑप्शंस है वो है 128, 127, 32, 7. ध्यान रखिएगा 128 सेल्स का फॉर्मेशन करना है और पूछ रहा है कि कितने डिवीजन रिक्वायर होंगे यहाँ पे, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज 7 डिविजन आर रिक्वायर्ड हियर टू फॉर्म द 128 सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, that is synthesis of proteins for formation of spindle fibers takes place in G1 phase, S phase, G2 phase and M phase. Correct answer होगा बच्चों आपका third one, that is the G2 phase. Next question is 38 number, O2 Oxygen was used in H2O to prove that O2 comes from H2O in photosynthesis by Rubin and Kamen. C14 was used by Kelvin to discover dark reaction and N15 is used in the study of. तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास में है. फोर्थ ऑप्शन यहाँ नहीं लिखा था तो मैंने नोट लिख दिया है. फर्स्ट ऑप्शन इज क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, सेकंड वन इज द डीएनए रेप्लिकेशन, थर्ड वन इज द प्रोटीन सिंथेसिस एंड फोर्थ वन इज द सी साइकिल. तो करेक्ट आंसर जो है बच्चों दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 39. स्मॉलेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टेलोफेज. तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दैट इज द एनाफेज. लेट मी चेंज द कलर, इट शुड बी रेड. Which of the following, question number 40, which of the following is the better explanation of earlier discovery of the nucleus than the cell theory? Options you are having, nucleus is a more important structure than cytoplasm. Second one is the Robert Brown had a better microscope. Third one is the nuclei take a darker stain than other parts of a cell. And fourth one is the nucleus is visible body while cell theory is an abstract generalization. Correct option है fourth one. That is, nucleus is a visible body while cell theory is an abstract generalization. Next question is question number 41. That is, choose the correct statement. Ribosomal subunits are united during protein synthesis. Ribosomal subunits always remain united. Ribosomal subunits are united in nucleus during rRNA synthesis. And fourth option, all are correct statements. तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों आपका यहाँ पर दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, राइबोसोमल सबयूनिट्स आर यूनाइटेड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट द व्यू दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम / एंजाइम्स. जो ऑप्शंस आपके पास में है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ प्रॉपर्टी टू कॉन्सेंट्रेट इन सेल्स विच फॉर्म लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स. Disruption of mitochondria yields membrane fragments which are able to synthesize ATP, and mitochondria have a folded inner membrane that is, and fourth option is a contractile protein capable of utilizing ATP is obtained from mitochondria. तो ये जो correct option होगा आपका that is the second one. Disruption of mitochondria yields membrane fragments which are able to synthesize ATP. Next question is 43 number, that is what is correct. Nucleosomal organization provides a chromatin fiber about 10 nm in thickness and chromatin fibers further condense to. Nucleosomal organization provides a chromatin fiber about 10 nm in thickness and chromatin fibers further condense to produce a solenoid of 39 nm diameter. Second option is the solenoid structure further coils to produce a chromatin fiber of 200 nm and then a chromatid of 700 nm diameter. Third one is all the folded loops of chromatin are held together and fourth one is all of the above. तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका दैट इज द फोर्थ वन, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूकैरियोटिक सेल्स आर एसेंशियली टू एनवेलप सिस्टम बिकॉज दे कंटेन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज. तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों आपका दैट इज द सेकंड वन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Next question is question number 45. Which of the following statement justifies that the cell is a self-contained unit? Options you are having, it independently carries out all fundamental biological processes. Second one is it oxidizes food molecules to produce energy and utilizes this energy to synthesize complex molecules. Third one is the reproduces with similar hereditary properties and D option is all of the above. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ वन दैट इज ऑल ऑफ द अबव बिकॉज ये सारी ही क्वालिटीज सेल के अंदर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 सेज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू फॉर्म वाटर रेजिस्टेंट बैरियर टू अलाउ ओनली कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस टू पास एंड थर्ड वन इज passage for free flow of ions and fourth one is the to allow easy passage of proteins. तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे आपका दैट इज द फर्स्ट वन, वाटर रेजिस्टेंस बैरियर. Next question number 47 says that it's a diagrammatic questions. Man and mouse cells are treated with red rhodamine and green fluorescent dyes separately and then are made to fuse. The resultant cells when kept at 37 degrees Celsius, the distribution of dye on the surface of cells be like. ये आपके पास में options दे रखे हैं. यहाँ पे जो R लिखा हुआ है that stand for the rhodamine and जो green fluorescent dyes है वो G से represent हो रही है. तो एक first option है उसमें चारों तरफ आप देखिए rhodamine है, जो सेकंड ऑप्शन है उसमें चारों तरफ ग्रीन फ्लोरेसेंट डाई है, यहाँ पे आधे में जो है आपका ग्रीन फ्लोरेसेंट डाई है और आधे में क्या है रोडामाइन है, और यहाँ पे आपका सारा अल्टरनेट है यानी कि रोडामाइन ग्रीन, रोडामाइन ग्रीन इस तरह से है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द फोर्थ ऑप्शन यानी कि ऑल्टरनेट फॉर्म में ये डिस्ट्रीब्यूट होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 48. Muramic acid is present in cell walls of bacteria and blue-green algae. And second option is 48th number question is muramic acid is present in cell walls of options you are having bacteria and blue-green algae, green algae, yeast, all fungi. तो correct answer होगा बच्चों यहाँ पे that is the first option bacteria and blue-green algae. Question number 49 is growth of cell wall during cell elongation takes place by apposition, intussusception, both A and B and superposition. तो answer जो आपका correct है that is the both A and B. Question number 50 says that plasmodesmata are pores in cell wall, pores in cell membrane, protoplasmic connections या फिर A and B both. तो जो correct option है that is the third one protoplasmic connections. Next question is 51. Which element mainly occurs in middle lamella? Options you are having calcium ion, magnesium ion. Options you are having calcium, magnesium, sodium and potassium. So जो इसका correct option होगा बच्चों that is the first option that is calcium. 52 question. Cell membrane is composed of protein and cellulose, proteins and phospholipids, proteins and carbohydrates and fourth option is proteins, phospholipids and some carbohydrates. I hope कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा क्योंकि cell membrane जो होती है उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, phospholipids भी होती हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होता है अराउंड 1.5%. यह भी एक क्वेश्चन में मिला भी था हमें. Which of the following is main enzyme of plasma membrane? TPPase, ATPase, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज या फिर कैटालेजेस. तो जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज द एटीपीएज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. परसेंटेज ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन इन द टोटल प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इंट्रिंसिक प्रोटीन मींस जो सेल मेम्ब्रेन में अच्छे से धसी हुई प्रोटीन्स जो होती हैं यानी कि पूरी तरह से एम्बेड होती हैं वो प्रोटीन्स जो होती हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं. और कितना परसेंट होता है उनका 70%, 20%, 10% या फिर 90%. तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है आपका 70% आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स इन द टोटल प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्वेश्चन नंबर 55. सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, मालपिगी, रॉबर्ट हुक, नगेली. एंड जो करेक्ट आंसर है बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दैट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. कॉर्क में उन्होंने डिस्कवर की थी, पहली डेड सेल डिस्कवर की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 56 दैट इज सेल वॉल इज डेड एंड परमिएबल, लिविंग एंड इम्परमिएबल एंड लिविंग एंड सेलेक्टिव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द सेकंड वन डेड एंड परमिएबल. डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन occurs at starting of G1, end of G1. Options you are having starting of G1, end of G1, initial stage of prophase and end of telophase. जो करेक्ट आंसर है बच्चों that is the end of G1. वहीं पे डिसाइड हो जाता है कि सेल डिवीजन के बारे में. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 58. क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ऑन 2 stranded स्टेज, 3 stranded स्टेज, 1 stranded स्टेज या 4 stranded स्टेज. तो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द फोर्थ वन 4 stranded स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सेल रिकॉग्निशन, अटैचमेंट टू माइक्रोफिलामेंट या फिर अटैचमेंट टू माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो करेक्ट आंसर है बच्चों सेकंड वन दैट इज द सेल रिकॉग्निशन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन या फिर पॉलीसेक्राइड. करेक्ट आंसर इज द सेकंड वन दैट इज लिपिड. क्वेश्चन नंबर 61. व्हेन द प्रोफेज क्रोमोसोम आर स्टेन्ड विद acetocarmine that take differential staining, this phenomena is called ideogram, karyotype, heteropinosis या फिर satellite. तो correct answer होगा आपका बच्चों that is the third one heteropinosis. Next option, next question है आपका question number 62. Longest phase of mitosis is prophase, metaphase, anaphase या फिर telophase. Correct option is prophase. इसी की 5 stages होती है ना. आप लोगों ने इसका याद करने का तरीका है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइक्नेसिस. ओके लीला जरा पानी दे दो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63. एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फोलिपिड्स, ऑल द अबव. द आंसर इसका होगा बच्चों आपका 63 क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन फॉस्फोलिपिड इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एवरेज थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑप्शंस व्हाट यू हैव 70 एंगस्ट्रॉम, 75 टू 100 एंगस्ट्रॉम, 100 to 150 एंगस्ट्रॉम एंड 200 एंगस्ट्रॉम. तो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द सेकंड वन 75 to 100 एंगस्ट्रॉम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन, सिंगर, डेनेली या फिर रॉबर्ट हुक. करेक्ट आंसर आप सबको पता होगा रॉबर्टसन ने दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्होंने ही प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, पिट मेम्ब्रेन ऑफ सिंपल पिट इज फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द मिडिल लैमेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, टर्म प्लाज्मोडेस्मेटा वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ल्यूवेनहॉक, डी डुवे, स्ट्रासबर्गर या पोर्टर। ये दोनों तो नहीं हो सके क्योंकि डी डुवे ने आपका लाइसोसोम डिस्कवर किया था, पोर्टर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं। नेक्स्ट आपके हैं ल्यूवेनहॉक एंड स्ट्रासबर्गर, करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों दैट इज द स्ट्रासबर्गर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म्ड बाय इंटरसेप्शन, एपोजिशन, इंटरसेप्शन एंड लिग्निफिकेशन या फिर मिनरलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है बच्चों इंटरसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ काइटिन, सेल्यूलोज, ग्लूकोजामीन या फिर म्यूकोपेप्टाइड। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन दैट इज म्यूकोपेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70, बटर सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय डेब्सन एंड डैनेली, रॉबर्टसन, सिंगर एंड निकोलसन या फिर बेंसन। तो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज द डेब्सन एंड डैनेली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 71, द सिंगर्स मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफर्स फ्रॉम द रॉबर्टसन्स मॉडल इन द नंबर ऑफ लिपिड लेयर्स, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स, अरेंजमेंट ऑफ लिपिड लेयर्स, एब्सेंस ऑफ लेयर्स, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन लेयर्स। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे आपका सेकंड वन दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स। Ingestion of solid food by plasma membranes is called endoosmosis, pinocytosis, cytokinesis या फिर phagocytosis। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 73, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट क्विकली वेदर द सेल्स आर लिविंग वन मस्ट ऑब्जर्व सेल सैप, टोनोप्लास्ट, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर स्टार्च ग्रेन्यूल्स। करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड वन दैट इज द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट फील हो रहा है, लग रहा है आपको कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो यू कैन जस्ट टेल मी विद द क्वेश्चन नंबर इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू द आंसर परफेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, दैट इज विच वन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सेल, डीएनए, आरएनए, प्लास्टिड्स एंड गोल्जी। 74 क्वेश्चन नंबर, आपका करेक्ट आंसर होगा इसका सेकेंड ऑप्शन। मैक्सिमम एंजाइम्स आर फाउंड इन लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द सेकंड वन, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप सभी को पता होगा उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना। नेक्स्ट ऑप्शन इज सेल वॉल फॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन इज लिपिड सिंथेसिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वन दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 77, बिसाइड्स प्रोड्यूसिंग सेक्रेटरी वेसिकल्स द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज लाइसोसोम फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पैंडल फाइबर्स, फॉर्मेशन ऑफ ER एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑप्शन 4 इज द ऑल द अबव। तो करेक्ट आंसर है लाइसोसोम फॉर्मेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई मोस्ट ऑफ द नेसेसरी बायोलॉजिकल एनर्जी थ्रू ब्रेकिंग डाउन शुगर्स, रिड्यूसिंग एनएडीपी, ऑक्सीडाइजिंग सबस्ट्रेट्स ऑफ टीसीए साइकिल एंड ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों यहाँ पे आपका होगा थर्ड वन दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग सबस्ट्रेट्स ऑफ टीसीए साइकिल्स, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्वेश्चन नंबर 79, दैट इज एंजाइम्स ऑफ ETS अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स, आउटर वॉल, इनर मेम्ब्रेन या बिटवीन इनर एंड आउटर वॉल। तो आंसर आपका करेक्ट है दैट इज द इनर मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 80, व्हिच सेल ऑर्गेनेली सेक्रेट्स जाइमोजन ग्रेन्यूल्स, ऑप्शंस यू आर हैविंग लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, स्मूथ ER एंड स्पेरोसोम। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका दैट इज द सेकंड वन, गोल्जी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 81, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज नेकेड, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, ऑल द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों आपका दैट इज द फोर्थ वन, ऑल द अबव। Which structures are responsible for lipid synthesis respectively in plants and animal cells? Options you are having smooth ER, smooth and rough ER, smooth ER and peroxisomes and fourth option is spherosomes and smooth ER. So correct answer है आपका fourth one that is the spherosomes and smooth ER. Question number 83 that is lysosomes are not helpful in osteogenesis, cellular digestion, metamorphosis in frog या फिर lipogenesis. तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द लाइपोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 84 दैट इज द डाइजेशन ऑफ हार्मोनल वेसिकल बाय लाइसोसोम इज कॉल्ड क्राइनोफेजी, हेटरोफेजी, ऑटोफेजी या फिर ऑटोलिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द फर्स्ट, क्राइनोफेजी। इन मैमल्स द माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स आर 55S, 70S, 80S एंड 100S। तो करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट वन, दैट इज द 55S. Which of the following provides mechanical support and shape to the cell? Golgi complex, centrioles, lomasomes, या फोर्थ ऑप्शन ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, ER. 87 क्वेश्चन नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ रेस्पिरेशन फर्स्ट रिपोर्टेड बाय किंग्सबरी एंड सपोर्टेड बाय हॉगबूम, एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर रिलेटेड विद द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स या ऑल ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, ऑल द अबव. 88 क्वेश्चन नंबर, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम फाउंड ऑन साइटोप्लाज्म, ER, गोल्जी बॉडी या फिर राइबोसोम्स. तो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द फोर्थ वन, राइबोसोम्स. Question number 89. Which of the following transport the cell wall material from dictyosome? Options you are having microtubules, microfilament, ER या फिर microbodies. तो correct answer आपका यहाँ पे क्या होगा बच्चों? That is the first one, microtubules. Question number 90. Golgi body is absent in prokaryotes, mature mammalian RBC, eukaryotes and all the above. तो correct answer is the fourth one, all the above. Question number 91. Which cell organelles release oxygen? Mitochondria, Golgi body, chloroplast या ribosome? Correct option is the third one, that is the chloroplast. Question number 92. One of the following is present outside the plasma membrane but inside the cell wall? Spherosome, peroxisomes, lomasomes and fourth one is the Golgi body. तो correct answer आपका होगा यहाँ पे third one, that is the lomazome. Question number 93. Lysosome containing bone cells are called osteoblast, fibroblast, osteoclast and chondroblast. तो करेक्ट आंसर इज द ऑस्टियोक्लास्ट. क्वेश्चन नंबर 94. केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड अकर इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स या फिर राइबोसोम्स. तो करेक्ट आंसर होगा आपका बच्चों सेकंड वन, दैट इज द गोल्जी बॉडी. मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज आर डिराइव्ड फ्रॉम विच स्ट्रक्चर ऑफ सेल? न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. तो करेक्ट आंसर होगा आपका बच्चों, दैट इज द सेकंड वन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्वेश्चन नंबर 96. बहुत जल्दी हमारे 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं. राइबोफ्लोविन 1 एंड 2 अकर ऑन द सरफेस ऑफ रफ ER, स्मूथ ER, गोल्जी बॉडी या फिर नन. तो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द फर्स्ट वन, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्वेश्चन नंबर 97. एट व्हिच pH लाइसोसोमल एंजाइम्स रिमेन एक्टिव? यू हैव टू टेल द pH. pH 5, pH 7, pH 8 या फिर pH 10. तो करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट वन, दैट इज pH 5, बिकॉज वहां पे बहुत सा एसिडिक pH होगा तभी जाकर के वो डाइजेस्ट कर पाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98. सिंथेसिस ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज टेक प्लेस इन माइक्रोबॉडीज, स्मूथ ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर लाइसोसोम्स. तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों यहाँ पे आपका, दैट इज द थर्ड वन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स. Question number 99. Main function of Golgi complex is fermentation, phosphorylation, respiration, packaging of materials for secretion. तो correct answer होगा बच्चों, that is the fourth one, packaging of materials for secretion. Question 100. Functional unit of protein synthesis is dictyosome, polysome, peroxisome या फिर lysosome. तो correct answer होगा आपका, that is the polysome. यहाँ पे और भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं. मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और मैं वो सभी आपको कराना चाहती हूँ, तो लेकिन मुझे इसके लिए आपके लाइक की जरूरत है, आपके मोटिवेशन की जरूरत है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस चैप्टर के कुछ ज्यादा क्वेश्चंस चाहते हैं, तो मैं उन चैप्टर्स को पहले उठा करके आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आपको वो पहले सॉल्व कराऊंगी. उसके बाद में मैं बाकी अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस डालूंगी. सो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें. इसके बाद हम लोग करने वाले हैं सेल डिवीजन के क्वेश्चन. सेल डिवीजन के हम लोग 100 क्वेश्चंस करेंगे. मैं हर एक चैप्टर के आपको 100 क्वेश्चंस करा रही हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए. एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ बच्चों, ये क्वेश्चंस मैं जनरल उठा के आपको करा रही हूँ. अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए लेवल थोड़ा सा इजी है या मीडियम है या हाई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कैसा लेवल आपको लग रहा है और आप किस लेवल के क्वेश्चंस और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग ही मटेरियल डिलीवर कर सकूं. सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन. बाय बाय फॉर दिस टाइम. जस्ट स्टे ट्यून्ड विद बायोमेनिया एंड एंजॉय द नॉलेज.